जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी बहुत कंपेटिटिव हो गई है। डेली बेसिस पे हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। इन चैलेंजेस की वजह से रोज़मर्रा हमारा स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। इस स्ट्रेस की वजह से बहुत सी बीमारियों में भी इंसान लाहक हो रहे हैं, लेकिन हम इस स्ट्रेस का क्या करें? वी कान गेट अवे विद इट। इस स्ट्रेस को मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सालेहा तारिक, आई एम प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, आई एम वर्क एज अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, लाइफस्टाइल कोच एंड अ काउंसलर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी बहुत कंपेटिटिव हो गई है। डेली बेसिस पे हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। इन चैलेंजेस की वजह से रोज़मर्रा हमारा स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। इस स्ट्रेस की वजह से बहुत सी बीमारियों में भी इंसान लाहक हो रहे हैं, लेकिन हम इस स्ट्रेस का क्या करें? वी कान गेट अवे विद इट। इस स्ट्रेस को मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। सो वट कैन वी डू अबाउट इट? बहुत सी छोटी छोटी स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक्सरसाइजेस हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जो कि हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं खुद से स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इन एन इफेक्टिव वे। अब इन टेक्निक्स में सबसे पहले मेडिटेशन, इमेजरी, माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, इसके साथ साथ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड हेल्प्स अ लॉट। एज अ थेरेपिस्ट हम CBT, DBT, ACT, साइकोथेरेपी और ऐसे बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अपने थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस को अलाइन करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें। इन सब टेक्निक्स और मेथड्स के साथ साथ एक बैलेंस्ड डाइट, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड अ चेंज ऑफ परस्पेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Trust me, it will help a lot. Thank you very much. If you have a question and query, that you can go to the comment section. And if you want an in-person or video consultation, then kindly go to marham.pk. Thank you very much.